मैं हूं दीपक बर्थे। मैं हूं आरती गहलोत। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 28। तो आइए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बुरहानपुर में महंगाई की मार, महंगे पेट्रोल डीजल रसोई गैस को भी भूलने वाली नहीं है। कांग्रेस सरकार के समय किस प्रकार हमारी थाली भरी रहती थी और आज महंगाई के कारण हमारी थाली खाली पड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज अपने चुनाव प्रचार के दौरान खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बुरहानपुर और चिरनिया में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। उनके संबोधन में प्रमुख बिंदु, कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है कि हमारी सभाओं में आज जो लोग आए हैं वह दिल से आए हुए हैं और भाजपा में जो आते हैं वह सरकारी तरीके से लाए हुए होते हैं। बुरहानपुर की पहचान पावर लूम, टेक्सटाइल और केले से है, लेकिन यहाँ की असली पहचान यहाँ की भाईचारे व जोड़ने की संस्कृति से भी है। भारत में कई जाति, कई भाषा, कई धर्म, लेकिन हम सब आज एक झंडे के नीचे खड़े हैं और यही जो जोड़ने की भारत की संस्कृति है वही कांग्रेस की भी संस्कृति है। बाबा साहेब ने हमें कैसा संविधान दिया जिसका आज विश्व भर में आदर होता है, जिसने सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया और उसमें प्रावधान किया कि हमारा कमजोर वर्ग कैसे सुरक्षित रहे। लेकिन जब अच्छा संविधान लगता लोगों के हाथ में चला जाता है तो देश का नुकसान होता है। जबलपुर से संभाग ब्यूरो दीपक बर्थे की रिपोर्ट।